अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि भूलती है, जब तक कि मुझे जो चाहिए वो नहीं दोगे मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। तूने मुझे तपस्या करके धरती पे उतारा था, मैं प्रकट हुआ था तेरे लिए, जो तू बोलेगी वो तुझे दे दूंगा। ओ, चल परेड। देखो दिया तो तुम्हें पड़ेगा, ये रस्म है। बहन का नहीं बहनों का, जब तक आप नेक नहीं दोगे आपको अंदर जाने नहीं देंगे। निकाल। चल अब परेड। ओ हेलो, मैं आपको एक चंदा या चिल्लर बटोरने नहीं आई हूँ, पकड़ो ये। तो क्या करूँ, अपनी जायदाद तेरे नाम कर दूँ? नहीं, मेरे ना गहने चाहिए। देता हूँ तेरे को गहने, चल परेड। मैंने कहा ना मुझे गहने चाहिए, मतलब चाहिए। एक काम कर, अपने पति से बोल दे, वही तुझे गहने दिलाएगा। उसको छोड़ के तो तू हमारे सर पे बैठी है। लट परे। जी जी ये लीजिए, आपके लिए नेक। अब नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। रख लेना, भाभी है तेरी, इतने प्यार से दे रही। जो आग जलनी थी वो शायद अभी नहीं जली है, लेकिन हरक सिंह जब वो आग लगेगी तो उसे तुम सब मिलकर भी नहीं बुझा पाओगे, और तब मनेगा असली मातम। सुरभि, दस क्यों होया? कैसे लोग हैं ये दी के ससुराल वाले? हाँ, समझते क्या आपने आपको? ऐसे कैसे कुछ भी उल्टा सीधा इल्जाम लगा सकते हैं दी पे? अच्छा, कुछ कुछ बोलना। वो हुआ कि आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ? रुक हरमन, ये अपशगुन है पुत्र। तो आज अपनी वोटी के साथ नहीं, यहाँ बाहर से
या सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि उस घर की बहू भी है। उनका मान रखना सोम का धर्म है। ओह कम ऑन मम्मी, मैंने आपको फोन इसीलिए नहीं किया था कि आप भी उनकी दकियानूसी बातों में उनका साथ दो। रख रही हूँ मैं फोन। आप बैठो। तू नहीं अरमन, ये पूजा सिर्फ बहू के लिए। प्रीत तो अब की होया। प्रीत एक बात बता, तूने हमारी शादी करवाई है या बंटवारा करवाया? कल रात कमरे में साथ नहीं रहने दिया, अब पूजा में साथ नहीं बैठ सकता। अब फिर तूने इसे घर भेज देना। सब्र कर पुत्र, सब्र कर। देख रहा, ये कहते हैं दंगल वाली फैमिली, बात बात पे दंगल। ऐसा ही रहे, कभी बड़े ना होना। ओ बैठ बैठ। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय। दोनों हाथ में एक एक फूल लीजिए और अपने हाथ को आगे कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदश्यवाहा स्वस्तिनः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदथे। अब दोनों फूलों को मेरे आगे रख दीजिए। बच्ची में किसी प्रकार का अपशगुन नहीं होता तो ये फूल मुरझा जाते। सोमूचा अंदर बैठ। सुरभि जल्दी बैठो। सत श्री अकाल। एक रात बीत गई तो क्या, 20 रातें तो अभी भी बाकी हैं। मम्मी ये किधर कहीं भी क्यों पहुंच जाते हैं? आई मीन शादी ब्याह और बच्चा किसी भी फंक्शन में आके नाचते क्यों हैं? इतना शुभ क्यों मानते हैं? तुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, जहां मौका लगता है शुरू हो जाती है। बेबी जी, वो लोग इसलिए नाचते हैं ना क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं होता, इसके सिवा कुछ बेचारे कर भी नहीं सकते। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बातें करते हुए? और उन लोगों के लिए जो मजबूर है, काम धंधा नहीं होता आपके पास, तो काम है ना, ठीक से गाड़ी चलाइए। अब अपना सामान बांधने 20 दिन के लिए सोमू के साथ उसके ससुराल में रहना है। बी, जीजू थोड़ी जल्दी नहीं आ गए? मेरा तो अभी मन भी नहीं भरा था आपसे। सोच रही हूँ कि इस बार फिर से आपके साथ चलूं, और इस बार तो पूरे एक महीने के लिए। हाँ चलना मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस बार ना तेरा जितना मन करे उतने दिन रहना।
सोमू। हाँ माँ। सोमू, ये तरस कपूर की भाव जब तक खत्म नहीं हो जाती ना, ना तो तू हरमन के पास जाना और ना ही हरमन को अपने पास आने देना, वरना कुछ भी हो सकता है, हरमन की जान भी जा सकती है। मैं अपनी बच्ची का सुहाग बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी, वादा करो तू ऐसे ही करेगी? आप फिक्र मत करो, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। एक बात और पुत्र, ये मैंने जो कहा है ना, किसी से कहना नहीं, लोग समझेंगे नहीं, उन्हें लगेगा कि बस यूं ही अंधविश्वासी बातें हैं। हाँ माँ, मैं समझ गई, अब आप चिंता मत करो।